नमस्कार, शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है और मेरे सभी सब्सक्राइबर का बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुलेठी कितनी फायदेमंद है, कितनी बढ़िया है आपके शरीर के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। और वैसे भी अगर मुलेठी आदमी चूसता है उसको, वो लकड़ी की शक्ल में आती है, जी हाँ, एक जड़ की शक्ल में आती है, उसको अगर आप चबाते हैं तो उसका रस आपके पेट में जाता है, आपके गले के अंदर जाता है और उसके बहुत से फायदे हैं। अगर आपको कफ की शिकायत है तो आपको चाहिए कि आप मुलेठी और काली मिर्च को आप एक साथ लेकर अगर आप चाटते हैं या उसको चबाते हैं तो उसके रस से आपके कफ में जो प्रॉब्लम आ रही है आपके गले के अंदर, उसको दूर करेगा। सूखी खांसी से आपको प्रॉब्लम है, उसके अंदर भी मुलेठी बहुत लाभदायक है। और अगर आपके गले में किसी भी तरह की सूजन लग रही है, आपको लगता है कि गले में थोड़ी सूजन है, तो आपको मुलेठी का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे बहुत फायदा मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह कि अगर आपको लगता है कि आपका मुंह सूखा सूखा है, आपको लग रहा है कि हम कुछ भी बोलते हैं तो सूखा सूखा हो जाता है, तो आपको चाहिए करना क्या चाहिए कि आपको मुलेठी चूसनी चाहिए। मुलेठी के चबाने से आपके मुंह के अंदर आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि जैसे आपका मुंह जो है पानी से भर गया है, क्योंकि उसके अंदर तकरीबन 50% के करीब मात्रा होती है पानी की, इसलिए वो आपके मुंह को सूखने नहीं देती है और आपको अच्छा रखती है। आपके स्वर को, आपका सुर अगर बिगड़ा हुआ हो, सुर का मतलब ये होता है कि आप जो बोल रहे हैं, सुर का मतलब संगीत से रिलेटेड नहीं है, सुर का मतलब आप जो बोलना चाहते हैं, आपके उससे स्वर जो सही नहीं निकल रहा है, आपको खराश हो रही है, तो आप मुलेठी का इस्तेमाल कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। जी हाँ, और स्त्रियों के लिए तो मुलेठी बहुत ही फायदेमंद है। आप ये मान के चलिए कि अगर वो 1 ग्राम चूर्ण नियमित रूप से स्त्रियां सेवन करती हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उनकी सेक्स की भावना, उनके बाल, उनकी योनि सब कुछ तंदुरुस्त रहती हैं। जी हाँ, और मुलेठी की जड़ जो है पेट के घावों को समाप्त करती है। अगर आप मुलेठी की जड़ का चूर्ण इस्तेमाल करेंगे तो आपके पेट के जो घाव हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो मुलेठी का चूर्ण कितना फायदेमंद है, मुलेठी कितनी फायदेमंद है। और अगर किसी को खून की उल्टियां होने पर दूध के साथ मुलेठी का चूर्ण लेने से फायदा होता है, खूनी उल्टी पर मधु के साथ भी इसे लिया जा सकता है। जी हाँ, ये एक ऐसी चीज है जिसे खाने से आपको कोई नुकसान नहीं है। और टीबी के लिए, जो लोग टीबी के मरीज हैं, उनके लिए भी मुलेठी उनकी आंतों के लिए बहुत अच्छी है, उनको फायदा देती है। तो आप इस मुलेठी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन हम फिर बार बार यही कहेंगे कि ये सारी चीजें हमें बहुत ही विद्वान और ज्ञानी लोगों से जानकारी मिलकर हमको मिलती है और वो हम आपको शेयर करते हैं। इसमें अगर कहीं किसी चीज से आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो उसके हम जिम्मेवार नहीं है, बेशक आप उसको छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अपना प्यार यूं बनाए रखिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक्स कीजिएगा, आपकी शेयर और टिप्पणियों का हमें इंतजार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।